मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई पंचायतों को लेकर यह बयान दिया है कि पंचायतों को पारदर्शी तरीके से अधिकार दिए जा रहे हैं। नवनियुक्त पंचायतों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है कि पंचायतों को जो अधिकार दिया जा रहा है उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, पारदर्शिता रखी जा रही है और इससे पंचायतों को जो पैसा मिलेगा वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के तहत खर्च होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ चुके हैं। विनोद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो पंचायत के अधिकार का मामला है, पीपीकी का मामला है, ये अभी गरमाया हुआ है और जो दोनों तरफ से गर्माहट नजर आ रही है उसको देखकर ये लग रहा है कि अभी शांत होने वाला मामला नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार और ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है और अलग अलग स्लैब बनाकर पंचायत को, सरपंचों को और पंचायतों को तमाम अधिकार दिए गए हैं। कल दिल्ली एनसीआर के जिस तरह से दौरे पर थे मुख्यमंत्री, वहां भी उनके बयान हुए, उनसे मीडिया ब्रीफिंग में ये बात पूछी गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था जो स्लैब बनाए गए हैं, स्लैब बनाकर उन पर अलग अलग तरीके से काम होगा और काम के साथ ही कहीं ना कहीं जो कार्य करने की छूट है पंचायतों को वो दी जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि पीपी के तहत जो 72 लाख परिवारों को एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया, इस तरह के जानकारी के साथ जो कमियां प्रदेश में आ रही हैं, जिस तरह से विपक्ष के सवाल हैं और नवयुक्त पंच हैं उनको पारदर्शी तरीके से उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, विभिन्न स्लैब के तहत पंचायत के फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी पंचायतें, ये महत्वपूर्ण है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था हो, उसका चाहे विरोध जिस तरह से प्रदेश में हो रहा हो और या सरपंचों द्वारा हो रहा हो और उसके बाद की जो कहीं ना कहीं परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कार्य हैं स्लैब बनाकर कहीं ना कहीं पंचायतें करा सकेंगी और उनके जो स्लैब हैं वो बना दिए गए हैं इस मामले में। लेकिन सरकार तो कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है विनोद, क्योंकि सरकार का सीधे सीधे रुख है और मुख्यमंत्री जब कह चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी कदम है। देखिए, सीधे तौर पे अगर देखें तो 10 लाख से 25 लाख रुपए के जो कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता यानी कि जो नीचे लेवल पर है वहीं से की जाएगी, 25 लाख रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो है चीफ इंजीनियर देगा, 2.5 लाख से 10 लाख रुपए के जो कार्य हैं एक्सन द्वारा दी जाएगी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम जो विभाग होते हैं सरकारी उनके जो अधिकारी हैं उनके भी स्वीकृति दी जाएगी, एसडीओ लेवल पर 20,000 से लेकर 2.5 लाख तक की स्वीकृति दी जाएगी और मुख्यमंत्री और सरकार का ये भी दावा है कि हर फाइल को अब चंडीगढ़ लाने की जरूरत नहीं है, लोकल लेवल पर एम्पावर किया जा रहा है, चाहे एक्शन हो, एसडीओ हो, चीफ इंजीनियर हो, उनको पावर दी जा रही है और जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो 20,000 तक की पावर है, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के जो कार्य हैं प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासनिक सचिव यानी कि एसीएस लेवल के अधिकारी और तकनीकी स्वीकृति जो इंजीनियर हैं अधीक्षणता हैं उनके तरफ से दी जाएगी, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के जो कार्य हैं उनकी छूट पंचायत मंत्री द्वारा दी जाएगी, उनकी स्वीकृति और चीफ इंजीनियर देगा, यानी कि अलग अलग जो स्लैब बनाई गई है सरकार ये कह रही है कि एक्सएन हो, एसडीएम हो, जो जूनियर लेवल पर अधिकारी होते हैं उनके साथ पंचायत के प्रतिनिधि करके कार्य करा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ऊपर के कार्य यानी कि 10 करोड़ तक के जो कार्य हैं 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक के वो ही पंचायत मंत्री द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, लेकिन सरपंच जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2 लाख तक के जो कार्य हैं ई टेंडरिंग और जो तमाम व्यवस्था की गई है उससे पंचायत के अधिकार कम हुए, एक महापंचायत का भी ऐलान किया जा चुका है, पंचायत मंत्री को विरोध भी झेलना पड़ा, कई जगह की तस्वीरें आपने देखी पूरे प्रदेश भर से और विपक्ष भी ये साफ तौर पर कह रहा है, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की, वो कहते हुए साफ तौर पर नजर आए और आरोप लगाते नजर आए कि ई टेंडरिंग वगैरह की व्यवस्था से भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि जो कार्य हुए भी नहीं ऑनलाइन पेमेंट के जरिए वो पहले ही स्वीकृत कर दिए जाते हैं, उनकी पेमेंट कर दी जाती है, तो मामला काफी गर्मा गर्म है, पूरी राजनीति है, जिनको कार्य कराने हैं पंचायत प्रतिनिधि उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, इसके अलावा विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और
सरकार का अपनी तरफ से ये कहना है कि ई टेंडरिंग सहित तमाम व्यवस्थाओं के साथ इस छोटी सरकार जिसे कहा जाता है पंचायत में एक स्लैब बना दिए गए हैं, इस लेवल के स्लैब हैं तो इस अधिकारी की स्वीकृति से काम कराइए, उस लेवल से बड़ा स्लैब है 2.5 लाख का है, करोड़ का है, तो आप चीफ इंजीनियर और उस तरह के अधिकारियों के पास जाइए। विनोद ये बताइए, एक लेमैन जो इस वक्त देख रहा है सुन रहा है वो ये समझना चाह रहा है कि विपक्ष इस मामले को लेकर और जो विश्वस्त पर हमने जो सरपंच हैं उनको देखा है कि वो इसका बड़ा मुखर विरोध कर रहे हैं, सरकार का अपना तर्क है कि हम तो आपको शक्ति दे रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, तो वहां पर आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, काम करने का जो तरीका बदला गया है, सीधे तौर पर अगर पूरी भाषा को समझें या पूरे प्रक्रिया को समझें, कार्य करने का धर्मराज तरीका बदला गया है। तरीका बदलने के साथ जो स्वीकृति होती है, किसी भी काम की मंजूरी होती है, अप्रूव कराने का जो दायरा है वो बदल दिया गया है, और जो बदलाव हुआ है सरकार अपनी मंशा के साथ कर रही है। सरकार का यही दावा है कि इस तरह की चीजें करने से जिस तरह के आरोप लगते थे पंचायत प्रतिनिधियों पर या सरपंचों पर, उनमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब विपक्ष कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के दावे के साथ सरकार के जो प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है, इससे करप्शन नहीं रुकेगा। शुक्रिया विनोद आपका। तो नवनियुक्त पंचायतों को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हमने पंचायतों को पूरा अधिकार दिया है,